हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं आपके सामने विश्व इतिहास से काफी रोचक एवं महत्वपूर्ण विषय पूंजीवाद, जिसे हम इंग्लिश में कैपिटलिज्म भी कहते हैं, ये लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो पूंजीवाद को हम लोग विभिन्न शाखाओं में विभाजित करके उसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और अंततः उसके प्रभावों को भी देखेंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, पूंजीवाद, इस पूंजीवाद को पूंजीवाद की संज्ञा क्यों दी जाती है, इसको सबसे पहले हम इसके परिचय से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पूंजीवाद के परिचय, उत्पत्ति, विशेषताएं, उसके महत्वपूर्ण केंद्र एवं प्रभाव, इन खंडों में विभाजित कर हम इस विषय को अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले आइए इसकी परिचय पर ध्यान देंगे। तो 15वीं शताब्दी के अंत में आई थी यह व्यवस्था, अर्थात 15वीं शताब्दी का दौर जब अंत होने पर आया, उस समय ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, एक व्यवस्था, एक वाद आई, जिसे हम पूंजीवाद की संज्ञा देते हैं। अब इस पूंजीवादी व्यवस्था में एक प्रकार की नई सामाजिक आर्थिक संरचना का निर्माण हुआ, जिसमें पूंजी के एकत्रीकरण की स्वतंत्रता थी। इससे क्या तात्पर्य है? 15वीं शताब्दी के अंत में आई एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी व्यक्ति को पूंजी एकत्र करने की स्वतंत्रता थी, और साथ ही साथ इसमें एक नई सामाजिक आर्थिक संरचना का भी विकास हुआ इस नई व्यवस्था में। और इसमें पूंजी के विकास की आजादी तो थी ही, साथ ही साथ सरकार द्वारा कोई सीमाबद्धता भी नहीं थी, ठीक है। साथ ही साथ इसमें उत्पादन एवं वितरण पर वैयक्तिक अधिकार मान्य हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि 15वीं शताब्दी के अंतिम दौर में एक ऐसी नई व्यवस्था का उदय हुआ जिसमें नवीन सामाजिक आर्थिक संरचना का विकास हुआ, अर्थात एक ऐसा समाज का, नया समाज का निर्माण हुआ और एक नवीन आर्थिक संरचना का विकास हुआ। और इस नवीन आर्थिक सामाजिक संरचना ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जो पूंजीवाद के नाम से जानी जाती है, जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से पूंजी के विकास करने की पूरी आजादी थी, उस पर सरकार किसी भी तरह की कोई हस्तक्षेप या सीमाबद्धता नहीं लगाती थी, और साथ ही साथ इसमें व्यक्ति के उत्पादन और वितरण के अधिकार पूर्ण रूप से मान्य थे। अब हमारे समक्ष ये प्रश्न उठता है कि अगर पूंजीवाद की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी के अंतिम दौर में प्रारंभ हुई, तो ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से पूंजीवादी व्यवस्था का उदय हुआ, इसको समझेंगे हम इसकी उत्पत्ति के माध्यम से। तो देखिए, आप यहां देख रहे हैं इसकी उत्पत्ति, यानी पूंजीवाद का ओरिजिन कैसे हुआ। तो पूंजीवाद का जो ओरिजिन है, ये शुरू हो गया 13वीं शताब्दी के अंत के दौरान ही शुरू हो गया, क्योंकि ये जो दौर था ये बेसिकली सामंतवाद के पतन का दौर था। तो इस दौर में क्या हुआ, जब 13वीं शताब्दी का अंतिम दौर प्रारंभ हुआ, वहीं पे सामंतवाद का पतन हुआ। और सामंतवादी व्यवस्था के विषय में आपको बता दूं, ये कृषि पर आधारित एक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, जिसमें स्थानीय आपूर्ति और विनिमय के माध्यम से जो एक सामंत होता था, वो अपने अधीन कृषकों से मजदूरी करवाकर उस पर अपनी जीविकोपार्जन करता था। लेकिन 13वीं शताब्दी के अंतिम दौर में ये सामंतवादी व्यवस्था टूटने लगे, और जब सामंतवादी व्यवस्था टूटी, उस दौर में भौगोलिक खोजों ने, यानी नए नए प्रदेशों और नए नए क्षेत्रों की खोज, साथ ही साथ तकनीकी विकास ने, यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। साथ ही साथ मुद्रा विनिमय, यानी पहले जो वस्तु विनिमय का प्रचलन था वो समाप्त होकर के अब मुद्रा को एक माध्यम बनाया गया सामान के आदान प्रदान के लिए, अर्थात मुद्रा विनिमय का प्रचलन प्रारंभ हुआ, और साथ ही साथ शहरों का विकास हुआ। ये सभी कारण सम्मिलित रूप से पूंजीवाद के उदय के महत्वपूर्ण उत्पत्ति के कारक माने जा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या है और इसकी उत्पत्ति के कारक क्या थे, सामंतवाद के पतन और उसके पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों ने पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे? तो जैसे सामंत जो थे, वो मूल रूप से कृषकों के शोषण पर उनसे मजदूरी कराकर अपना गुजर बसर करते थे, और इस प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था में काफी सारे दुर्गुण
जो 13वीं शताब्दी के अंतिम दौर में ऐसी परिस्थितियां हुई कि सामंतवादी व्यवस्था टूटने लगी और अंततः यह पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तो जैसे ही सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हुई, उसके पश्चात जो सामंतों के अधीन कृषक, जो उसके अधीन कार्य करते थे, वे अब शहरों की ओर पलायन करने लगे। इससे शहरों का विकास तो हुआ ही, साथ ही साथ अब वे गैर कृषक कार्य को अपनाने लगे। इसके लिए भौगोलिक खोजों, तकनीकी विकास, इन सबों ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया और वे जो कृषक सामंतों से मुक्त हुए थे, अब वो नई अर्थव्यवस्था में योगदान करने लगे। तो ये उत्पत्ति यहाँ से प्रारंभ हुई। अब हम इसकी विशेषताओं पर गौर करेंगे। ये विशेषताएं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंज या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मांग आपूर्ति की स्थानीयता को समाप्त किया। तो जैसा कि हम लोगों ने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि वो स्थानीय उपभोग पर आधारित व्यवस्था थी, लेकिन अब जब सामंतवादी व्यवस्था टूट गई तो मांग की आपूर्ति की जो स्थानीयता थी, यानी लोकल बाजार में जो मांग और आपूर्ति का बैलेंस बना हुआ था, वो अब अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को धारण करने लगा। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था जो है जड़वत से यंत्रवत होने लगे। कहने का मतलब है प्राचीन जो सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी वो जड़वत थी, वो अपने क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब अर्थव्यवस्था जो है अब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई, यानी यंत्रों के समान हो गई। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा। अचल के स्थान पर चल संपत्ति को महत्व दिया गया। अचल संपत्ति और चल संपत्ति क्या होती है? अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती, जो स्थिर है, जैसे जमीन, भूभाग, है ना, इस खेत, ये सब चीजें अचल संपत्ति में आती हैं। लेकिन चल संपत्ति के अंतर्गत हम वैसी संपत्ति को, जैसे पूंजी का निर्माण आदान प्रदान होता है, तो वो चलने वाली संपत्ति। तो इस प्रकार की अचल के स्थान पर चल संपत्ति का महत्व अब बढ़ गया, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व मान्य हो गया। जैसा कि हमने इसके परिचय में ही चर्चा किया था कि उत्पादन के स्वामित्व अब किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में आ गए, भले ही वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में हो, क्योंकि 100% जनता में 100% जनता जो है वो पूंजीपति नहीं हो सकती है। उसमें कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ही पूंजी होती है, जो कि संपूर्ण बाकी जो प्रजा है उस पर उसका वो निर्वहन करवाती है। तो इस व्यवस्था में हम देखते हैं कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व मान्य हो गए, और इसका एक ड्रॉबैक हम यहाँ देखते हैं कि प्रतियोगिता प्रधान बाजारों की नींव पड़ी। प्रतियोगिता प्रधान बाजारों का तात्पर्य है कि अब जो भी पूंजीपति, मान लीजिए कोई पूंजीपति है, वो अगर कोई नया व्यवसाय या नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है, शुरू करता है, तो उसे क्या है कि अब उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारना है। तो उसका मुकाबला स्थानीय ये फैक्ट्रियों से नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के साथ देखने को मिलता है। तो उसे अब कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, यानी कि प्रतियोगिता प्रधान बाजार अब एस्टैब्लिश होने लगे, बनने लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि दो महत्वपूर्ण वर्ग, एक हो गया पूंजीपति और दूसरे हो गए श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति हुई। तो इस पूंजीवादी व्यवस्था का ही परिणाम था कि ये दो महत्वपूर्ण वर्ग, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति हुई। अर्थात इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए 100% प्रजा है, उसमें 1% प्रजा के पास ही पूंजी का स्वामित्व होता है और वो 99% जनता के लिए वो उसका पोषक के रूप में कार्य करती है। यानी संपत्ति या पूंजी जो है सीमित व्यक्तियों के हाथ में होता है और बाकी जो जनता होती है उस 1% व्यक्ति यानी पूंजीपति वर्ग पर आश्रित होती है अपनी जीविका के लिए। तो यहां से दो महत्वपूर्ण वर्ग अर्थात पूंजीपति और श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति हुई, और इन दोनों के बीच अपने अपने अधिकारों और अपने दायित्व को लेकर आपस में खाई जो है काफी गहरी होती चली गई। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण केंद्र को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था कि ब्रिटेन जो है एक प्रायद्वीप प्रदेश है और वह 3 समुद्र से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से उस पर आसानी से शत्रुओं का आक्रमण नहीं हो सकता। और इसी विशेषता यानी भौगोलिक विशेषता के कारण उसने नए नए खोज किए, जिसमें भौगोलिक खोज हो गए, फिर उन्होंने तकनीकी विकास किए,
साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार भी किए और उन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्रांति की, उद्योगों में क्रांति की, बैंकों में बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति की, बीमा कंपनियां स्थापित की और साथ ही साथ संयुक्त पूंजी कंपनी की भी स्थापना की। तो ब्रिटेन जो था इसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा और ब्रिटेन ने विभिन्न प्रकार के कार्यों से जैसे भौगोलिक खोजों, तकनीकी विकास, बैंकिंग, बीमा, उद्योग एवं संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना करके अपने इस पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाने का कार्य किया। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण केंद्र देख लिया। अब हमारा अंतिम है प्रभाव। इस प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे कि इसका प्रभाव राजनीति पर, प्रशासन पर, समाज पर और अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ा। सबसे पहले राजनीति और प्रशासन की बात करें तो हम देखते हैं कि पूंजी किसी सीमित व्यक्तियों के हाथ में थी और वो पूंजी का और विकास करना चाहते थे तो इसके लिए उन्हें राजकीय संरक्षण की आवश्यकता थी। अर्थात वो राजा महाराजा जो होते थे उन राजाओं पर आश्रित थे उनके वाणिज्य व्यापार के विकास और प्रोत्साहन के लिए। दूसरी ओर अगर हम राजाओं की बात करें तो राजाओं को अपने राजनीतिक कार्यों को करने के लिए एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापारियों पर या इन बड़े कारोबारियों पर निर्भर होना पड़ता था क्योंकि उनसे उनको काफी सारा राजस्व की प्राप्ति होती थी। तो इनकी राजनीति व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। राजा और व्यापारियों के संबंध बदलने लगे, अब वे एक दूसरे के पूरक हो गए। राजा को राजनीति और प्रशासन चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी और व्यापारियों को अपने व्यापार के विकास के लिए राजकीय संरक्षण की आवश्यकता थी। अर्थात ये दोनों के जो मतलब इन दोनों के जो संबंध थे आपस में अलग बदलने लगे। इसके बाद अगर हम समाज की बात करें तो हमने यहाँ आपको बताया कि किस प्रकार दो महत्वपूर्ण वर्गों का उदय हुआ, पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग का। तो समाज में ये दो महत्वपूर्ण वर्गों के उदय ने समाज में दोनों वर्गों के बीच की खाई को चौड़ी की क्योंकि पूंजीपति वर्ग जो था वो ज्यादा से ज्यादा पूंजी अर्जित करना चाहता था और इस कार्य के लिए वो श्रमिकों का शोषण करने लगा। दूसरी ओर श्रमिक जो थे वो अपनी सुविधाओं की मांग करते थे, वो वेतन की मांग करते थे, बढ़ोतरी चाहते थे। तो इन दोनों के बीच आपसी टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई और इससे एक समाज पर भी इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ा और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव तो अवश्यंभावी ही था। जो पुरातन व्यवस्था जो सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित थी अब वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिणत हो गए। इस प्रकार से हमने देखा इसकी राजनीति, इसके प्रशासन, इसके समाज और इसकी अर्थव्यवस्था इन सब पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। लेकिन अब इस व्यवस्था को समझने के बाद अब हम समझेंगे कि कैसे इस व्यवस्था ने आगे चल करके इन दोनों वर्गों के बीच की स्थिति को ज्यादा खराब किया। तो उसको हम अगले क्लास में समाजवाद के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।